हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न न्यूज में। गाइज, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सन और टाटा नेक्सन ईवी फेसलिफ्ट गाड़ी के बारे में, जिसे कंपनी आज यानी 14 सितंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी में क्या कुछ बदलाव किए गए, वही नेक्सन ईवी गाड़ी के रेंज, बैटरी, सेफ्टी फीचर से लेकर हर एक जानकारी डिटेल्स में बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भारतीय बाजार में टाटा की गाड़ियां सबसे ज्यादा बिकती है। इस सेल के पीछे का कारण है सेफ्टी। आज यानी 14 सितंबर को बाहर निर्माता कंपनी मार्केट में नेक्सन और नेक्सन ईवी का फेसलिफ्ट वेरिएंट लॉन्च करेगी। कंपनी ने इस अपने नए थासू एसयूवी में कई बदलाव किए। इसे कंपनी ने बिल्कुल नया और फ्रेश लुक दिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक की, तो टाटा नेक्सन इलेक्ट्रिक के एक्सटीरियर लुक और डिजाइन को पिछले मॉडल की तुलना में पूरी तरह से बदल दिया गया है। इसे कंपनी ने बिल्कुल नया और फ्रेश लुक दिया है। इसके ड्राइविंग रेंज को भी पहले से बेहतर कर दिया गया। कंपनी इसके मिड रेंज में 30 kWh की क्षमता का बैटरी पैक दे रही है, जो कि सिंगल चार्ज में 325 किलोमीटर तक का रेंज देती है। वही लॉन्ग रेंज में कंपनी ने पहले की तरह ही 40.5 kWh की क्षमता का बैटरी दे रही है, जो कि सिंगल चार्ज में 465 किलोमीटर तक का ड्राइविंग रेंज देती है। वही बात करें टाटा नेक्सन के लुक्स और डिजाइन की, तो स्टाइलिस्टिक स्टाइल के साथ टाटा नेक्सन अब ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है, जिसकी वजह से बड़े फ्रंट एंड में स्लिप्ड हेडलैम्प सेटअप, वही ग्रिल और DRL के साथ साथ बम्पर का भी डिजाइन बिल्कुल अलग है। साइड व्यू में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन नए ऑयल व्हील्स 16 इंच के हैं। रियर में फुल कनेक्टेड LED लाइट सेटअप के साथ साथ नया लुक देखने को मिलता है, जो पतला होने के साथ साथ नेक्सन को चौड़ा दिखाता है। बात करें इसके इंटीरियर की, तो यहां सबसे बड़ा बदलाव इसके इंटीरियर में देखने को मिलता है, जिसमें नए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ नए लुक वाला स्टीयरिंग व्हील, टच स्क्रीन और नया डैशबोर्ड भी देखने को मिलता है। मौजूदा नेक्सन में बड़ी टच स्क्रीन थी, लेकिन नए केबिन में यहाँ सिंपल लेकिन मॉडर्न लुक देखने को बेहतर लगती है। इसमें नया इंटीरियर कलर और नया गियर लीवर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बड़े बदलाव के साथ नेविगेशन व्यू को डायल पर भी कनेक्टेड किया जा सकता है। भाई दोस्तों, बात करें टाटा नेक्सन गाड़ी के फीचर्स की, तो यहाँ टाटा ने इसके राइवल्स को टक्कर देने के लिए काफ़ी कुछ बदलाव किया। जैसे कि पहले वाली नेक्सन से भी अच्छे फीचर्स ले थे, लेकिन अब इसमें एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ 360 डिग्री वाला व्यू कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर और एक ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी शामिल किया। और स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पर 6 एयरबैग और 9 स्पीकर वाला JBL ऑडियो सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ के साथ साथ और भी कुछ बेहतरीन फीचर्स एड ऑन किए हैं, जिससे गाड़ी सेफ्टी और में काफ़ी बेहतरीन हो चुकी है। दोस्तों, फाइनली बात करें टाटा नेक्सन और टाटा नेक्सन ईवी गाड़ी के लॉन्चिंग और प्राइस की, तो टाटा नेक्सन और नेक्सन ईवी को आज यानी 14 सितंबर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया। वही बात करें इस गाड़ी की बुकिंग की, तो देश की सबसे बड़ी मतलब कंपनी टाटा नेक्सन अपने टाटा नेक्सन का नया फेसलिफ्ट मॉडल के साथ भारतीय बाजार में इसकी बुकिंग भी शुरू कर चुकी है। बात करें इस गाड़ी की प्राइस की, तो टाटा नेक्सन ईवी का प्राइस 15 लाख रूपए से स्टार्ट होती है। इसकी हाईएस्ट प्राइस 30 लाख रूपए तक जाते हैं। वही बात करें टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट की, तो टाटा नेक्सन फेसलिफ्ट का प्राइस 8 लाख रूपए होती है। वह इसका टॉप एंड कीमत और गाड़ियों के मुकाबले तक जैसे टाटा की और गाड़ियां हैं, टाटा नेक्सन का वीडियो आपको कैसा लगा हमें इस वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में जितना हो सके शेयर कीजिएगा। मिलते हैं गाड़ी के नए अपडेट के साथ, तब तक दीजिएगा हमें इजाजत। तब तक के लिए सेफ ड्राइव एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।